कॉलेज फेस्ट लौटता एक ऐसा दिन होता है जिसको जीने के लिए कॉलेज का हर स्टूडेंट पूरा साल तड़पता है। तो दो साल बाद फाइनली हमारा कॉलेज का कल्चरल फेस्ट यानी अद्वय हुआ था 29 अप्रैल को। तो दबा दो सब्सक्राइब वाला बटन और शुरू करते हैं कहानी अद्वय की। तो हमारा फेस्ट शुरू होने वाला था सुबह 10 बजे और 8:30 बजे ही बिना देरी किए उबेर पकड़ के निकल गए सीधा जय हिंद ऑडिटोरियम की तरफ। और ये जय हिंद ऑडिटोरियम में ही हमारा अद्वय होने वाला था। तो हमको बोला गया था कि फेस्ट में लोखी छाड़ा और स्निग्धोजित का परफॉर्मेंस होगा जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था। तो 9 बजे के अंदर ही हम पहुँच गए थे उधर और काफ़ी हद तक लोग आ चुका था और अद्वय बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला था। Wake up like $1 billion in the morning. I pick and choose from 20 cars, I'm Mr. Foreign. I take my whiskey, need to hide my mixed emotions. And I don't got a clue. My life is like parties over sleep. Monkey in the middle of my money and my dreams. Oh yeah, my life is like high heels on. तो फेस्ट काफ़ी सही चल रहा था और लोखी छाड़ा की परफॉर्मेंस तो पूरा अलग ही माहौल सेट कर दिया था उधर। तो उसके बाद फैशन शो हुआ और उसके बाद अगली बारी था स्निग्धोजित की लाइव परफॉर्मेंस की जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। तो फेस्ट काफ़ी हद तक हो चुका है ख़त्म और अभी स्निग्धोजित का परफॉर्मेंस बाकी है तो इसीलिए साउंड चेक के लिए शायद हमको बाहर बुलाया है। तो चलो अभी स्निग्धोजित के परफॉर्मेंस में मिलते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हें कभी स्निग्धोजित के लाइव परफॉर्मेंस में जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाना, बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा होता है और कॉन्सर्ट में ऐसा वाइब क्रिएट होता है ना जो मैं तुमको कह के नहीं समझा सकता हूँ। और वो वाइब से तुम्हें निकलने के लिए शायद 2-3 दिन लग जाए क्योंकि मुझे तो लग गए थे यार 2-3 दिन यार। मतलब इतना मैजिकल एटमोसफियर कैसे कोई क्रिएट कर सकता है। तो इवेंट ख़त्म हुआ था रात 9 बजे, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। तो ये अद्वय ऑर्गेनाइज किया था युवा ने, मतलब हमारा कॉलेज का कल्चरल क्लब। यार उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से मैनेज किया था क्योंकि बीच में एक टाइम ऐसा हो गया था कि बाहर बारिश हो रहा था और ऑडिटोरियम पूरा ओवर कैपेसिटी हो रहा था। तो उस टाइम में उन लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है जो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल है। और अगर कोई युवा का मेंबर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यार दिल से शुक्रिया। और तुम सब जो अभी तक ये वीडियो देख रहे हो थोड़ा कमेंट करके बताना कि तुम लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था फेस्ट में। और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो पे कोई नए कहानी के साथ, तब तक अलविदा।